बिल्कुल पार्टी नहीं करते, बहुत जल्दी 8-9 बजे सो जाते हैं, सुबह आप 4 बजे उठते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ आप जीते हैं। तो ये सब जो कहानियां कथाएं हम सुनते रहते हैं आपके बारे में, क्या ये वाकई सच है और आज के कलयुग में क्या ये संभव है? कभी कभी तो मैं सोचता हूँ मुझसे लोग ऐसा क्यों पूछते हैं कि ये आप इतने जल्दी सो कैसे जाते हैं, 9-9:30 बजे सो जाते हैं। मैं जिंदगी समझ में नहीं आता कि ये तो वो आदत है जो हमने बचपन से पाल रखी थी स्कूल जाने से, जब जब स्कूल जाया करते थे सुबह उठना, जल्दी उठना, तो ये हमारा स्कूल का वक्त होता था, तो ये आदत हमसे छूट गई। तो ये ऐसा कोई नई चीज नहीं है। मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि जो इंसान लेट सोता है, बुरी रात जागता है और सुबह सोता है, वो मेरे हिसाब से उल्लू होता है। सो आई थिंक लेट सोना एक उल्लू जैसी बात हो जाएगी। तो आप इसको, ये मैं आपसे पूछ रहा था कि जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का उसका तो जो पूरा माहौल है, वहाँ तो हम सुनते हैं कि कोई भी 1-2 बजे से पहले सोता ही नहीं है। इट्स फुल ऑफ पॉलिटिक्स, फुल ऑफ मसाला, गॉसिप्स, पार्टीज। तो ऐसे माहौल में आप कैसे इतनी डिसिप्लिन लाइफ जी पाते हैं? आपका दिल नहीं करता पार्टी करने का, मैं भी बाहर जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। एंड दिस इज एन ऑनेस्ट कन्फेशन, अगर करता होता तो मैं जरूर जाता। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉलिटिक्स और किसी के बारे में बोलना या कोई आपके बारे में कह रहा, आप अगर उनके सामने जाओ ही नहीं तो कोई ना बोलेगा ना कोई सुनेगा। सो काफी चीजों से आप बच जाते हैं। ये मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि एक्चुअली जितनी भी whatever the evil thing happens, that happens only at night time. तब आपका दिमाग खराब रहता है, दिमाग खराब जो होता है वो उसी वक्त होता है, चाहे चाहे मतलब पीते वक्त कुछ। सो ये सब चीजों से बच जाता है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम से आदमी बच जाता है। क्योंकि मैं कभी कभी सुबह उठ के देखता हूँ, अरे पता रात को ऐसी ऐसी फला बला जगह पे उसने उसको पीट दिया, वो उसके साथ पकड़ा गया, गाड़ी चढ़ा दी। सो ये सारी चीजें सब रात को ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री के गुड बॉय हैं। गुड बॉय मतलब आई एम अ नॉर्मल बॉय, नॉर्मल मैन, बॉय नहीं कहूंगा। थैंक यू सो मच अक्षय फॉर कमिंग है। थैंक यू। और हम चाहते तो आपका कोई डर्टी, फुल ऑफ गॉसिप, फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज ऐसा कुछ इंटरव्यू कर सकते थे, बट मुझे लगा कि आपका एक क्लीन इंटरव्यू करना चाहिए ताकि लोग इस इंटरव्यू से कुछ सीख सके, कुछ जानकारी मिले आपके लोगों को, स्पेशली जो हमारा जो यूथ है वो आपसे कुछ सीख सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो डर्टी और वो चीजें नहीं की, और लेकिन कभी होगा तो मैं जरूर आऊंगा आपके प्रोग्राम में, आप ये वाला भी करके देख लीजिएगा, मैं भी जानना चाहूंगा कि कितना डर्टी हो सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच अक्षय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।